प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल विदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। परिश्रम, प्रतिबद्धता, प्रजय, एफर्ट, डेडिकेशन एंड विक्ट्री, परिश्रम, समर्पण और विजय, अर्थात परिश्रम और समर्पण यदि हो तो विजय निश्चित होती है। व्यक्ति यदि जीवन में परिश्रम करे, लेकिन कैसे, समर्पण हो करके, समर्पित हो करके, तो विजय निश्चित मिलती है, या वो पढ़ाई हो या कोई कार्य हो। आपके सामने एक प्रत्यक्ष ज्वलंत उदाहरण है कि आज हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने चांद पर जाना बहुत आसान कर दिया और अपने मेहनत और लगन समर्पण के साथ इन्होंने कार्य किया और विजय प्राप्त किया। तो आइए आज के जो विशेष समाचार हैं इन पर हम गौर फरमाते हैं, इन पर विशेष ध्यान देते हैं। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने किया दावा, उन्होंने बताया कि वेदों से आए हैं साइंस के सिद्धांत। अल्ब्रेजा से लेकर यूनिवर्स तक में यूरोप के वैज्ञानिकों ने की है नकल। नई दिल्ली में जो आयोजित हो रही थी पाणिनि संस्कृत वैदिक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में, उसमें उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, साइंस के सिद्धांतों की उत्पत्ति वेदों से हुई है। ये उनका कहना है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चीफ एस सोमनाथ का। उनकी माने तो अल्ब्रेजा से लेकर एविएशन तक सब कुछ पहले वेदों में ही पाया गया था, बाद में अरब देशों के जरिए ये सारा ज्ञान यूरोप तक पहुंचा, जिसे बाद में वहां के वैज्ञानिकों ने खोज के रूप में पेश किया। एस सोमनाथ के मुताबिक अल्ब्रेजा स्क्वायर रूट समय का परा कॉन्सेप्ट आर्किटेक्ट यूनिवर्स का स्ट्रक्चर जैसे कई चीज़ों पहले वेदों में ही पाई गई थी। सोमनाथ ने ये बात उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में संबोधित करते हुए कहा। संस्कृत का इस्तेमाल करते थे वैज्ञानिक। उनके मुताबिक एक समय ये भी थी कि भारतीय वैज्ञानिक संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे, इसकी कोई लिखित लिपि नहीं थी, इसे सुना गया और याद कर लिया गया। बाद में लोगों ने संस्कृत के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करना शुरू किया। कंप्यूटर की भाषा को सूट करती है संस्कृत। इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को संस्कृत बहुत पसंद है, वह कंप्यूटर की भाषा को सूट करती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने वाले इसे सीखते हैं। गणना के लिए संस्कृत का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इस पर भी रिसर्च किया जा रहा है। अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने संस्कृत के कुछ अन्य लाभ भी बताए। वास्तव में संस्कृत पढ़ने से और संस्कृत के मंत्रोच्चारण करने से, जैसा कि पहले भी कई एक लोगों ने कहा है कि बुद्धि प्रखर होती है, योग से व्यक्ति अपने शरीर को, अपने आत्मा को, अपने मन को शांत करता है, वहीं दूसरी ओर संस्कृत भाषा का अध्ययन करने से व्यक्ति अपने संस्कार को, अपने सोए हुए संस्कारों को जगा लेता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का यह परम कर्तव्य बनता है, संस्कृत को दिल से पढ़ें, समझकर पढ़ें और वैज्ञानिक रूप से पढ़ें, क्योंकि संस्कृत भाषा ही ऐसी भाषा है जो वैज्ञानिकी है और विज्ञान पर आधारित है। चाहे वो स्पीच थेरेपी की बात करें, चाहे वो हम माइंड कंसंट्रेशन की बात करें, सब कुछ यही मिलेगा। आयुर्वेद, धनुर्वेद, अथर्व और ये जो आप कहते हैं अर्थशास्त्र, ये सब के सब संस्कृत में विद्यमान हैं। अतः आप सभी से हमारा करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है कि आप संस्कृत को मन लगा कर पढ़ें और संस्कृत का प्रचार प्रसार अवश्य करें। अभी संस्कृत भारती के द्वारा संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है, इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें
अच्छे से अच्छे श्लोकों को याद करें, अच्छे से अच्छे संस्कृत गीतों को याद करें और आप इसे सुनाने का प्रयास करें, कक्षाओं में सुनाने का प्रयास करें, साथ ही साथ आस पड़ोस में जो लोग हैं उन्हें भी बतावें कि संस्कृत हमारी देवभाषा है, इस भाषा का अध्ययन हम सभी को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत है तो संस्कृति है और संस्कृति है तो भारत भारत है। इसलिए आप सभी से पुनः एक बार निवेदन, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो निस्संदेह प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे कि और भी लोगों तक यह जानकारी प्राप्त हो सके। मेरे साथ बोलेंगे जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, धन्यवाद। आपने हमें धैर्यपूर्वक सुना। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को अवश्य दबाएं, सब्सक्राइब करें, और यदि आप पुराने हैं तो निस्संदेह आप लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, धन्यवाद।